चलो देखो बेटा, अभी तक जो हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है, उसमें हम पार्टिकल को क्या कर रहे थे, जैसे ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो पार्टिकल को x एक्सिस से हम किसी एंगल पे क्या कर रहे थे, थ्रो कर रहे थे। तो हमारा जो वेलोसिटी था, यहां से एक क्या कर रहा है, थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो ये वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। इसमें रेंज कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इसके अलावा अगर किसी जनरल पॉइंट पे हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सब कुछ कर लिया। इसी में अगला पार्ट हमारा जो है वो ये कि मान लो हमारे पास क्या है, एक इस तरह का कोई टावर है, राइट, और टावर से अगर हम किसी पार्टिकल को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं, तो वो भी जो पाथ लेगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। अब इसको भी इसमें क्या करना था, कैलकुलेट करना होता है कि इसको नीचे आने में टाइम कितना लगा, राइट, ये रेंज इसका कितना है, मैक्सिमम हाइट कितना है, ये सब हमें क्या करना है, देखना है। तो हालांकि कहने को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों ही है, एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो तुम्हें नहीं पढ़ना है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहने का मतलब है इस तरह का एक वो ले लिया हमने, मान लो इंक्लाइन प्लेन ले लिया, यहां से हमने इसको क्या किया, थ्रो किया है। ये हमें फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं, नीट के लेवल पे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो कहने को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों ही है, जो हमने इससे पहले पढ़ा है और जो अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पर फिर भी मैं टॉपिक जनरली एक गलत ही तरीका रहेगा, लेकिन फिर भी इस पार्ट को मैं यहां पर लिखा दे रहा क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, हमारे खुद के समझने के लिए, जबकि दोनों ही पार्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं और ये पार्ट कहलाता है क्या, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। पर फिलहाल ये मान के चलो कि अगर मैं वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करूं दूं, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक डालना है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब समझो, पहले लेट से मैंने बोला कि हमारे पास क्या है, एक यहां पे टावर है और इस टावर की हाइट हमने मान ली कितनी, h। टावर के जस्ट ऊपर में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया है और उसको वेलोसिटी दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं ना तो 0 डिग्री ना तो 180 डिग्री, जिसकी वजह से जो पाथ होगा कैसा होगा, पैराबोलिक। और वो पैराबोलिक पाथ लेके इस तरह से क्या करेगा, जमीन पे गिरेगा। कई क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछता है कि इसको यहां से नीचे आने में कितना टाइम लगा, जो फुट ऑफ द टावर है उससे ये कितने डिस्टेंस पे जाके गिरा, कितनी वेलोसिटी से गिरा, और जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल क्या कर रहा है, बना रहा है। ये वाला पार्ट इससे पहले वाले पार्ट के कंपैरिजन में और आसान है, सिंपल सा है। ध्यान बस इस चीज का रखना है, एक बार सॉल्व करना है x एक्सिस के लिए और एक बार सॉल्व करना है y एक्सिस के लिए। x को अलग, y को अलग, आराम से बन जाएगा यहां पर। तो मान लो जैसे हमने क्या किया, पहले देख लिया किसके लिए, x एक्सिस के लिए। पहले हम देख रहे हैं x एक्सिस को अलग। तो अगर हम x एक्सिस की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, राइट। x एक्सिस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, और एक्सेलरेशन कितना है, 0। ये बिल्कुल सेम वही कहानी जो हमने क्या किया, पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब अगर मुझे क्या करना है, निकालना है कि भाई vx की वैल्यू कितनी है, तो vx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ux, व्हिच इज इक्वल टू u। जितनी भी वेलोसिटी से हमने इस पार्ट को क्या किया, पार्टिकल को थ्रो किया है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा। पूछेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, तो हम लिखेंगे क्या, यू इंटू टी, राइट। हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी है यू मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। अगर मैं इसको कंप्लीट मोशन के लिए लिखना चाहूं, राइट, अगर मैं इसे कंप्लीट मोशन के लिए लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x की जगह पे, कंप्लीट मोशन की जगह पे क्या लिखेंगे हम, सॉरी कंप्लीट मोशन रहेगा, तो x एक्सिस का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, r, इज इक्वल टू हम लिखेंगे u, और पूरे मोशन में जो इसको टाइम लगेगा वही कहलाएगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हो जाएगा r इज इक्वल टू u इंटू टी।
तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुला हमारे पास आएगा, आर इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाई टी। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले? तो उसके लिए हमें सॉल्व करना होगा वाई एक्सेस को, राइट। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं वाई एक्सेस। वाई एक्सेस को अगर हम क्या करें, चेक करें, तो हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सेस कितना? जीरो। हमने जो वेलोसिटी दिया है वो पूरा का पूरा दिया है हॉरिजॉन्टल एक्सेस में, वर्टिकल एक्सेस में किसी भी टाइप की कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल एक्सेस इज इक्वल टू जीरो। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना, जी या माइनस जी? राइट, जी। क्योंकि अब वो पार्टिकल सीधा सीधा क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। ये बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी का वो केस हो गया कि ऊपर से हमने एक पार्टिकल को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया है। तो अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो जिधर वो मूव करना चाह रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसमें माइनस नहीं लिखेंगे। अगर मैं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, बट इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से हमें लिखना पड़ेगा वी वाई इज इक्वल टू जी टी। अगेन अगर मैं कंप्लीट मोशन लिखूं, फॉर कंप्लीट मोशन, तो हम लिख सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल टी। ये वो वेलोसिटी है जो ये नीचे की तरफ आएगा, तो वी वाई हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हमेशा यू रहेगा। और अगर यू मिल गया है और वी वाई मिल गया है तो हम नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। तो अगेन अगर ये दोनों वेलोसिटी पता है तो विद द हेल्प ऑफ टेन थीटा हम ये भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई, ये भी निकल आया। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं यहां पे लगाऊं तो मैं लिखूंगा वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अगेन अगर हम कंप्लीट मोशन की बात करें, राइट, हम बात करें फॉर कंप्लीट मोशन, तो कंप्लीट मोशन में वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, राइट, एच। पूरे मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एच। तो हमने यहां पे लिखा एच इज इक्वल टू हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, या फिर यहां से तुम निकाल सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, अंडर रूट टू एच बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा अंडर रूट टू एच बाई जी। थर्ड इक्वेशन अगर हम क्या करें यूज करें तो हम लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू जी वाई। अगेन इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो। तो हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी वाई। फिर अगर हम इसको कंप्लीट मोशन के लिए देखें तो कंप्लीट मोशन में ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। अब जिस तरह से तुमको निकालना है उस तरह से निकाल सकते हो। अगर टाइम देके पूछा हुआ है तो वी वाई इज इक्वल टू निकाल लो जी टी। अगर हाइट देके पूछा है तो वी वाई निकालो अंडर रूट टू जी एच, राइट। कितने डिस्टेंस तक जाएगा तो आर इज इक्वल टू यू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो अंडर रूट टू एच बाई जी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, एक्स के लिए अलग वाई के लिए अलग। कोई अलग फॉर्मूले यहाँ पे याद बात करने की जरूरत किसी भी टाइप से नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये? समझो क्वेश्चन लिखना है, एक फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट, फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 500 मीटर, बिल्डिंग ऑफ हाइट 500 मीटर, अ पार्टिकल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ, पार्टिकल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। फोर्थ,
एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, सिंबल्स आ बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग गिवन है, हाइट कितनी बोली हुई है 500 मीटर। यहां से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है 100 मीटर पर सेकंड से, जिससे जाके इस तरह से क्या करेगा, टकराएगा। पूछा है कि पहले तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जा सकता है किससे, राइट, अंडर रूट 2h/g से। तो हमने लिखा अंडर रूट h की वैल्यू कितनी गिवन है 500 डिवाइड बाई 10, तो 15 into 200 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 10 सेकंड। ये पता चल गया कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, 10 सेकंड। फिर पूछा रेंज, तो रेंज लिख सकते हैं u मल्टीप्लाइड बाई t, कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया हमने 100 से, कितना टाइम लग रहा है 10,000 मीटर, मतलब ये अपनी जगह से 1000 मीटर आगे जाके क्या करेगा, टकराएगा। फिर पूछा कितनी वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी निकालने के लिए पहले तुमको निकालना पड़ेगा vy, जिसको तुम लिख सकते हो gt, या अगर निकालना चाहो तो अंडर रूट 2gh, दोनों से सेम आएगा। तो या तो gt लिख दो या तो अंडर रूट 2gh, दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमने से यहां लिखा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड। भूल के ये आंसर नहीं देना बेटा, हमें आंसर देना है नेट वेलोसिटी की। तो नेट वेलोसिटी कितनी है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, और v स्क्वायर भी कितना है 100, तो आंसर आएगा कितना 100 रूट 2 मीटर पर सेकंड। फिर पूछा है एंगल, है ना, एंगल का पूछा हुआ है। तो ये हो गया हमारा vx, ये हो गया हमारा vy, ये एंगल पूछा है। तो हमने सीखा है tan theta is equal to क्या लिखेंगे, vy divided by vx, vy की वैल्यू 100 है, vx मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो भी कितनी 100, कितना आ रहा है 1, तो theta की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 degree। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ is flying at a height of 2 kilometer from the ground, 2 kilometer from the ground at a constant velocity of 100 meter per second, at a constant velocity of 100 meter per second. If the pilot of the plane, drops a packet, then find the time taken by the packet to reach the ground, time taken by the packet to reach the ground, as well as displacement of the packet. देखो, again formula based question है। Question के languages को थोड़ा सा क्या करना है, सही तरीके से समझना है। इसमें बोला है एक plane है जो horizontal direction में 100 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है सरफेस से कितने हाइट पे, 2000 मीटर पे। यहां से अगर एक पैकेट गिरा हुआ है तो जाके यहां पे गिरेगा ऐसे, है ना। पहले पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम तो हम निकालेंगे किससे, अंडर रूट 2h/g से। तो हमने लिखा 2, हाइट कितना है 2000 डिवाइड बाई 10, तो आ जाएगा कितना 20 सेकेंड, राइट। अगर लैंग्वेज इस तरह से लिखा है, समझो लैंग्वेजेस पे क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर लैंग्वेज इस तरह से लिखा है कि जहां से प्लेन ने पैकेट को गिराया है सरफेस में वो कितना आगे गया, तब तो तुम्हें क्या करना है, रेंज निकालना है। अगर डायरेक्ट रेंज वर्ड यूज नहीं किया है, पर ये बोला है कि जिस जगह से, राइट, क्या किया है, पैकेट गिराया गया है, तो सरफेस में उसका क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तब तो क्या निकालना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, राइट,
क्वेश्चन में ही नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है पैकेट का डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये पूछ रहा है इसमें। तो पैकेट यहां से गिराया गया और यहां जाके क्या करा गिर रहा है, तो उसको निकालने के लिए रेंज तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। तो अगर हम रेंज निकाले तो यू इंटू टी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गया कितना 100 मल्टीप्लाइड बाई 20, कितना हो गया 2000 मीटर। तो ये भी 2000 मीटर हो गया और हाइट भी हमारी कितनी है 2000 मीटर। तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, आंसर कितना आएगा 2000√2 मीटर। मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है इस तरह से, यहां से एक पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, बिल्डिंग की हाइट है एच, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है और वेलोसिटी इसके बीच का एंगल गिवन है 45। तो पार्टिकल यहां पे जाके गिरा तो ये हो जाएगा क्या डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया वेलोसिटी, इनके बीच का एंगल कितना है 45। और मान लो ये दे दिया है लेट से 500 मीटर, राइट, फुट ऑफ द टावर और जहां पे पार्टिकल गिरा हुआ है। तुमसे पूछा है कि इसमें जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है और ये भी पूछा है कि इसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, क्या है इसका टाइम 10 सेकंड्स, राइट, इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड लगेगा और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही इसकी 50 मीटर पर सेकंड। देखो अगर ये एंगल 45 डिग्री है, किसका एंगल, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। फिर हम यहां पे यूज कर सकते हैं कि भाई tan 45 डिग्री, राइट, हाइट डिवाइड बाय डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है 9th क्लास का, हाइट कितना है h डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, 500 और tan 45 की वैल्यू कितनी 1, तो यहां से हाइट भी कितना आएगा 500 मीटर। वंस 500 मीटर हाइट आ गया, हम यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किससे, अंडर रूट 2h/g से। तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 500 डिवाइड बाई 10, आंसर कितना आएगा 10 सेकंड्स। फिर हमने एक और चीज सीखा हुआ है, r इज इक्वल टू क्या u इंटू टी, तो u हो जाएगा कितना r डिवाइड बाई टी, राइट, ये रेंज एक तरीके से इसका कितना है 500 मीटर डिवाइड बाई टाइम कितना 10, तो इनिशियल वेलोसिटी आ रही कितनी 50 मीटर पर सेकेंड। देखो मान लो यहां पे हमारे पास क्या है, एक पेड़ है और इसमें कोई फ्रूट लगा हुआ है, इससे ज्यादा अच्छा पेड़ और इससे ज्यादा अच्छा फ्रूट एक्सपेक्ट नहीं करना है, है ना, ये यहां से फ्रूट लगा हुआ है, ध्यान दो नालायक हो, बिल्कुल फ्रूट पे एम करके एक बुलेट को एम किया गया है फ्रूट पे, राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली उस पर एम किया गया, जिस टाइम पे बुलेट को फायर किया गया, जिस टाइम पे बुलेट को फायर किया, ठीक उसी टाइम पे फ्रूट अपने से टूट गया और वो नीचे गिरना शुरू हो गया, राइट, खुद से ब्रेक हो गया और वो क्या हो रहा है, नीचे गिरना शुरू हो गया। मतलब ऐसा समझो कि फ्रूट यहां पे लगा हुआ था, हमने क्या किया था, एम किया था उस पर, जैसे इसको फायर किया खुद से ब्रेक होकर क्या हो रहा है, नीचे गिरने लगा। क्वेश्चन ये है कि जो बुलेट है क्या वो इस फ्रूट से जाके टकराएगा, राइट, क्वेश्चन सिंपल सही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्चुअल में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा वायलेंट से था, यहां पे मैंने फ्रूट से रिप्लेस कर दिया, यहां पे एक्चुअली था मंकी, एक मंकी लटका हुआ है, उसमें एम किया गया है, जैसे ही फायर किया गया वैसे मंकी वहां से क्या गया, डगा छोड़ के नीचे कूद गया। तो क्वेश्चन यही था कि क्या वो बुलेट जाके उससे मतलब उसमें हिट करेगा या नहीं करेगा, तो थोड़ा सा वायलेंट हो रहा था तो उसको अपने रिप्लेस कर दिया फ्रूट से, तुमको बताना है कि क्या उससे हिट करेगा या नहीं करेगा। चलो क्वेश्चन लिखो इसको, a bullet is aimed at a fruit hanging from a tree. As soon as the bullet is fired, fruit detaches from the tree
the fruit detaches from the tree and starts falling. Will the bullet hit the fruits? Will the bullet hits the fruit? चलो कितने कह रहे हैं हाँ सर जाके कोलाइड करेगा, जाके टकराएगा. कितने कह रहे हैं हाँ सर जाके उससे टकरा जाएगा. ठीक. कितने कह रहे हैं नहीं सर हिट नहीं करेगा. राइट, बुलेट आगे निकल जाएगा, फ्रूट तो नीचे गिर गया. यही आ रहा है. ठीक. क्यों नहीं टकराएगा सर? वही तो, वो तो नीचे गिर गया है. राइट, वो तो नीचे गिर गया, बुलेट आगे चला जाएगा. क्या लगता है बुलेट को वहां तक जाने में आधे एक घंटे लगेंगे? किसी एक दो फ्रूट भी तो जल्दी गिरेगा. और क्यों नहीं टकराएगा? बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो ज्यादा नीचे गिरेगा, ज्यादा दूर चला जाएगा. अच्छा मे हिट. अच्छा ये वाले भी है सर, हो सकता है हिट कर जाए, हो सकता नहीं. तुक्का वाले ही. ये तुक्का वाले हैं. ठीक है, हिट करेगा. ये कितने कह रहे हैं? क्यों? तो बुलेट के पास में तो इनर्शिया है. ठीक है, कोई और एक्सप्लेनेशन? ठीक है, अपना अपना आंसर. बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं. हिट करेगा और कौन कह रहा है? हिट करेगा बिकॉज बुलेट की वेलोसिटी किससे ज्यादा है, तो पहुंच जाएगा उसके गिरने से पहले. ठीक है, बढ़िया. बुलेट की नीचे की वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो दोनों एक साथ गिरेंगे. सिंपल सा. दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? सेम है. समझो, अगर मान लो मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट की, तो फ्रूट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी? जीरो. तो ये गिरना शुरू करेगा, तो मान लो एच वन इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या? हाफ जी टी स्क्वायर. भाई टी टाइम पे, राइट, जब तक ये बुलेट यहां पहुंचा, मान लो टी टाइम लगा, उतने में नीचे कितना गिर जाएगा? एच वन, जिसको लिखा जाएगा क्या? हाफ जी टी स्क्वायर. अगर हम बुलेट की बात करें तो बुलेट की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, वर्टिकल एक्शन वेलोसिटी कितनी है? जीरो. जितने टाइम में वो यहां पहुंचेगा, वो भी तो नीचे की तरफ जाएगा कुछ ना कुछ. कितना नीचे जाएगा? एच टू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? हाफ जी टी स्क्वायर. अभी तो हमने देखा है कि एक पार्टिकल को अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? जीरो. तो टी टाइम पे कितना नीचे आता है? हाफ जी टी स्क्वायर. जितने टाइम में फ्रूट एच वन गिर रहा है, उतने ही टाइम में बुलेट भी तो नीचे आएगा H2, और दोनों क्या आ रहे हैं? सेम. तो हम यहां से कह सकते हैं कि H1 किसके इक्वल है? H2 के. मतलब ये हुआ कि उतने टाइम में मान लो फ्रूट इतना नीचे आया, तो बुलेट भी उतना ही अपने हॉरिजॉन्टल से क्या आएगा? नीचे आएगा. सेम टाइम में दोनों क्या करेंगे? जो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा. दोनों की इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या है? सेम है. अगर ये इतने टाइम में यहां पहुंचा तो बुलेट भी यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचा तो भी यहां पहुंचेगा. दोनों सेम हाइट तक क्या होंगे? वर्टिकली डिस्प्लेस होंगे, और बुलेट हमेशा उससे जाके क्या करेगा? हिट करेगा. क्योंकि जो भी वेलोसिटी हम यहां पे क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस में दे रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. क्लियर है ये? सिंपल सा. तो आंसर ये है हमेशा कि वो हमेशा ही हिट करेगा. जिनको लग रहा है सर लेकिन वो आगे निकल जाएगा इतना, तो बेटा बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में यहां तक पहुंचेगा. जितना ही नीचे गिरेगा हल्का सा, ये भी क्या आएगा? नीचे आएगा ही आएगा. उसमें भी तो ग्रेविटी लग रही है, वो भी तो नीचे आएगा. तो दोनों बराबर क्या आएंगे? नीचे आएंगे, और हमेशा वो जाके हिट करेगा. क्लियर है ये? तो आंसर लिख लेना है, जो बुलेट है वो हमेशा टारगेट पे क्या करेगा? हिट करेगा ही करेगा. तुमने लिख लिया राइट? Yes, है ना, कि टाइम दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा. जितने टाइम में फ्रूट नीचे, जितनी हाइट आएगा उतना ही नीचे क्या आ जाएगा? बुलेट आएगा, और वो जाके क्या करेगा? हिट करेगा टारगेट पे.
है ना, सब कुछ सही से लिख लिया। देखो फिर सिमिलर क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है कि मान लो हमारे पास क्या है, एक ट्री है और ट्री में एक फ्रूट लगा हुआ है। हाँ ये फ्रूट है। अब इस पे हमने क्या किया है, एक बुलेट से एम किया है, फिलहाल अब ये नहीं गिर रहा है ना, इसमें वाला केस नहीं है, हमने क्या किया, एम किया है। अब हमने ये सीख लिया कि अगर हम इस पे डायरेक्टली एम करेंगे तो ये जाते 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 हल्का सा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। जब भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एम करते हैं तो वो हल्का सा क्या होता है, बुलेट नीचे आ जाता है। तो मान लो यहां पहुंचते पहुंचते, लेट से अज्यूम करो कि यहां पहुंचते पहुंचते ये एक मिलीमीटर नीचे आ गया, तो क्या इस पे हिट कर पाएगा, नहीं, राइट। हम डायरेक्टली इस पे हिट वो कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे, पर ये पहुंचते पहुंचते एक मिलीमीटर क्या आ गया, नीचे आ गया, क्या इस पे हिट करेगा, नहीं। तो कायदे से करना क्या चाहिए, हमें जो बुलेट है उसको इससे एक मिलीमीटर ऊपर फायर करना चाहिए, ताकि अगर वो नीचे भी आए तो आगे क्या करे, टारगेट पे हिट करे। तो इस तरह से एग्जाम में अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मान लो टारगेट से बुलेट जो है 500 मीटर के डिस्टेंस पे है, राइट, 500 मीटर के डिस्टेंस पे है, और हमने यहां से बुलेट को फायर किया है, लेट से इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं डिस्टेंस, मान लो 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, और हमने यहां से बुलेट को फायर किया है कितने से, 500 मीटर पर सेकंड से। तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि बुलेट को टारगेट से कितने ऊपर पे एम करना चाहिए ताकि वो बुलेट जो है वो जाके क्या कर जाए, हिट कर जाए। क्लियर है ये क्वेश्चन, लिखो। अ बुलेट इज एम्ड, अ बुलेट इज एम्ड एट अ टारगेट, एट अ टारगेट 100 meter away. If the velocity of bullet is 500 meter per second, then how high the bullet must be fired, bullet must be fired from the target in order to hit it. Kya answer, 0.2 meter. Samjho, पहले हमें देखना है कि भाई इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, फिर हम देखेंगे कि उतने ही टाइम में कितना नीचे आ जाएगा, जितना नीचे आ जाएगा उतना ही हम क्या करेंगे, ऊपर फायर करेंगे। तो एक्चुअल में जब ये आएगा तो इस तरह से क्या आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो मुझे यही जानना है कि कितना नीचे आ जाएगा, उतना ही मैं ऊपर हल्के से एंगल पे क्या कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो एंगल नेग्लिजिबल रहेगा। ऐसा नहीं कि सर ये तो अब एक ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा ऐसे जाके गिरेगा, वो नहीं, उतना नेग्लिजिबल लेते हैं। तो हमने पहले क्या करा, निकाला टाइम टेकन by bullet to reach the target। पहले तो मुझे यही जानना है कि bullet को यहां तक पहुंचने में कितना time लगा है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं time is equal to क्या, right, displacement divided by velocity। कितना displacement है, 100 meter। कितनी velocity से fire की हमने, 500 meter per second से। तो ये आ गया कितना, 1/5 second, 0.2 second में ये यहां पहुंच जाएगा। अब उसी 0.2 second में वो अपने मेन जो हॉरिजॉन्टल है, राइट, हॉराइजन है, उससे कितना नीचे आएगा वो मुझे जानना है। तो हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमने लिखा हाफ टेन 1/5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10/2 × 5 × 5, कैंसिल होकर कितना आ रहा है, 1/5 meter, 0.2 meter या 20 centimeters, राइट, 20 centimeters। तो हमें क्या करना होगा, 20 centimeter ऊपर फायर करना होगा ताकि वो यहां से गिरते 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 वापस यहीं पे आ जाए और टारगेट पे क्या करे, हिट करे। क्लियर ये? चलो देखो एक वैरायटी का क्वेश्चन और आता है स्टेयर्स वाले, राइट, इस तरह से मान लो क्वेश्चन ऐसे बोला हुआ है कि जो स्टेयर्स है उसकी जो हाइट है वो ए है, राइट, इस तरह से, और जो विड्थ है वो बी है, राइट, वो बी इस तरह।
अब यहां से हमने क्या किया है, एक पार्टिकल को वी वेलोसिटी दी। तो जैसे हमने इसको क्या किया, थ्रो किया, वो यहां जाके बिल्कुल इसको क्या कर रहा है, पार कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि वी वेलोसिटी कितनी है, या अगर हमने इतनी वेलोसिटी दी है तो कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स के बाद जाके क्या करेगा, टकराएगा, या कितने स्टेयर्स को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। तो इसमें कुछ नया नहीं है, समझना है। जैसे मान लो इस एग्जाम्पल की बात करें, राइट, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें, तो ये हो गया एक स्टेयर, ये हो गया दूसरा स्टेयर, कितने स्टेयर को क्रॉस कर गया, राइट, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, दो स्टेयर को क्रॉस कर गया। तो इसमें अगर तुम्हें क्या करना हो, रेंज निकालना हो फॉर इस एग्जाम्पल के लिए, फॉर दिस एग्जाम्पल, राइट, जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो ये बी और ये बी कवर कर लिया है, कितना हो जाएगा, टू बी की इक्वल। और अगर हाइट देखे तो ये ए और ये ए कितना हो जाएगा, राइट, तो हाइट हो जाएगा कितना, टू ए। अब बाकी फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह से लगाना है ना। रेंज अगर हमें पता है, मैक्सिमम हाइट पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब कुछ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, इस चीज का बस हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कभी भी कि कितने नंबर ऑफ इसको क्या करेगा, पार करेगा ऐसे, तो सिंपल, अगर हाइट ए दिया हुआ है एस और विड्थ दिया हुआ है क्या, बी, तो रेंज ले लेना है फॉर एन नंबर ऑफ स्टेयर्स। कभी कभी पूछता है कि एन स्टेयर को क्रॉस किया कितना टाइम लगेगा, कभी कभी पूछता है इतना टाइम लगा है, कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। तो फॉर एन नंबर ऑफ स्टेयर्स रेंज इसमें लिखोगे कितना, एन टाइम्स ऑफ बी, और अगर हाइट लिखना हुआ तो कितना लिखोगे, एन टाइम्स ऑफ ए। तो जब भी ऐसे लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेयर्स क्रॉस्ड, है ना। यहां पे ए हमने क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ द स्टेयर्स, हाइट ऑफ स्टेयर, राइट, एक पर्टिकुलर उसकी। और बी जो लिया है वो हमने लिया क्या, विड्थ ऑफ स्टेयर। तो क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, बस हाइट में जितने भी स्टेयर्स को क्रॉस कर रहा है उससे क्या कर देना है, ऐड करते जाना है उसको। तीन को कर रहा है तो थ्री बी हो जाएगा, फोर को कर रहा है तो फोर बी हो जाएगा, राइट। रेंज को निकालना है तो जितने भी स्टेयर्स को क्रॉस कर रहा है उतने टाइम्स ऐड करते जाना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे क्या कर लेता है, पूछ लेता है कि इतने वेलोसिटीज हमने थ्रो किया, बताओ कितने नंबर ऑफ स्टेयर को क्या कर लेगा, क्रॉस कर जाएगा। क्लियर है ये? तो क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं है, बस एन ए एन बी इस तरह से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जो पहले हमने पढ़ा है उसका कंपैरेटिवली थोड़ा क्या है, आसान है। और ये पूरा का पूरा हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टेस्ट में कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, अगले टेस्ट में सर्कुलर मोशन का पार्ट, राइट, सर्कुलर मोशन का हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट। तो कल की क्लास से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन, है ना। इसको पूरा नोट कर लो और टेस्ट पेपर निकालो जो कल बचा हुआ था।